मोमिनीन जो है काफी नहीं है, वो गाफिल है, अपने दुनिया के हालात से, अपने घरेलू हालात से, परेशानियों से, तो गाफिल हो जाते हैं। जी जी जी, हम उलमा का काम है उनको गफलत से निकालें, जी जोड़ें, बिल्कुल तो मत उड़ जाओ। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कोई मोमिन नहीं है या दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गफलत है। बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है कि हमने ये फैसला करना है कि कामयाबी उस चीज का नाम है जो अल्लाह कह रहा है, बिल्कुल, या कामयाबी उस चीज का नाम है जो हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कल कहा था अगर आप समझ रहे हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी है। आज की दुनिया में देखें कामयाब किसको समझा जा रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास इख्तदार है, जिसके पास शोहरत है। आप अगर अभी शादी करें, आप सब इन्वॉल्व हैं इसमें, हम क्या करेंगे, अपने बच्चे का वलीमा करेंगे, ये वलीमा है। बिल्कुल, वलीमे में किसको बुलाते हैं, सारे पढ़े लिखे ऐसे लोग के जो जिनका नाम है, शोहरत है, अमीरों को, ठीक है, लेकिन वलीमा इसका नाम तो नहीं है। वलीमा निकला है वलम से। जी। वलम के मानी है कि ऐसी खुशी देना किसी शख्स को जिसकी वो तवक्को न रखता। बिल्कुल, तो मतलब क्या है, गरीब इंसान जिसने महीनों से मटन की बिरयानी नहीं खाई, पैसा ही नहीं था उसको, आपने जब उसके सामने बिरयानी रखी तो वो खुश हो गया, इसका नाम वलीमा है। आप ये समझे कि मैं जो पैसा कमा लेना और बच्चा घर बना लेना, कहते हैं हाँ मेरे तीनों बच्चे, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान में आप जाएं, बड़े फख्र से बयान करते हैं कि हमारे तीनों बच्चे माशाल्लाह अमेरिका में सेट हो गए, कनाडा में सेट हो गए और लंदन में सेट हो गए और बेहतरीन है। ये तो अलबेत ने नहीं कहा कि कनाडा में कुछ सेट हो गया, अमेरिका में कुछ सेट हो तो कामयाब हो गया। हमारा मकसद क्या है, दौलत, आदियत और कामयाबी समझते हैं। अल्लाह ने क्या कहा है, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान घाटे, इल्ला लज़ीन आमन, मगर कामयाब वही है तो मोमिन है, ईमान रखता है, ताकि तौहीद पर, रिसालत पर और अली इब्न अबी तालिब की हिदायत पर, लज़ीन आमन अमलु सालिहात। बिल्कुल, ये जो सूरा है ना जी, बड़ा अजीम सूरा है। इसमें खुदावंद आलम ने शुरू की आयत में पर्सनल कामयाबी की तरफ ध्यान दिलाया। आज का जो जवान बच्चा है, आप उससे पूछें कि तुम्हारी निगाह में सक्सेस क्या है, तो वो दो बातें करेगा, अच्छी तालीम और उसका अच्छी जॉब, अच्छा मकान, अच्छी फैमिली, दैट्स इट। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही फरमा रहे, यही सिलसिला चल रहा है। जी जी, अब उसे कैसे समझाया जाए कि ये दुनिया की कामयाबी जरूर है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कितने दिन जीना है, 60-70 मैक्सिमम 90। जी, 90 के बाद तो खुद इंसान चाहता है कि मर जाए। बिल्कुल, तो 90 साल की जिंदगी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है या मरने के बाद कयामत तक के 1000 साल की जिंदगी, ये कैलकुलेशन खुद कर, बिल्कुल खुद यूथ को करना चाहिए। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दें, आप एजुकेशन लेना छोड़ दें, नहीं, आप तालीम हासिल करें। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में मेहनत करो, दौड़ो, लेकिन इतना ही दौड़ो कि तुम्हारा दीन तुम्हारे हाथ से न जाने। बिल्कुल, हम अपने बच्चों को तालीम देंगे लेकिन बेदीन बना के नहीं, हम अपनी लड़कियों को डॉक्टर बनाएंगे लेकिन बेपर्दा बना के नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे लेकिन बेनमाजी नहीं, हम अपने बच्चों को अजीम साइंटिस्ट बनाएंगे लेकिन अज़ादारी से दूर नहीं रखते। बिल्कुल, ये काम आलिम का नहीं है जी, ये काम माँ बाप का है। बिल्कुल सही, जो टाइम स्पेंड कर, आलिम को, आलिम का काम है गाइडलाइन देना,